हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तबीज मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे से होंगे। तो आज हूँ वापस से क्रोशिया में, और क्रोशिया में सेकेंड डे है। जैसा कि मैंने कहा था कि संजय भाई ने बहुत सपोर्ट किया, उसमें से एक और अपने भाई साथ में है जिनका प्यार मिला। उनका थोड़ा लाइफ एक्सपीरियंस जानेंगे कि कैसे है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या लाइफ है। तो स्वागत है मेरे चैनल में। आपका नाम बताइए पहले। नमस्ते, मेरा नाम प्रणब है और मैं उड़ीसा से हूँ, और मुझे यहाँ पे 4-5 महीने हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे चैनल में, जो कि आपका चैनल, सबका चैनल है। तो पढ़ना और अपना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। पढ़ना, कुछ चीज़ें हम जानना चाहते हैं व्यूअर्स के लिए, कि ये जो लोग यूट्यूबर बोलते हैं, पहले मैं जानना चाहूँ आपके बारे में कि कैसे मालूम पड़ा कि क्रोशिया भी कोई कंट्री है, क्या इसके पहले आपने कभी कुछ सोचा नहीं था? देखिए, मेरा तो पहले, इससे पहले मैं ट्राई किया था माल्टा के लिए। अच्छा, माल्टा के लिए ट्राई किया था, बट वहाँ पे जैसे आपसे कभी मतलब बात नहीं हो पाया, या फिर जो भी है मैं जान नहीं पाया, वहाँ नहीं जा पाया। जी जी जी। उसके बाद जो है मैं अपने एक कंपनी के थ्रू कॉन्टेक्ट करके मैं यहाँ पे आया हूँ। ओके। और मुझे, मैं डायरेक्ट कंपनी के थ्रू ही आया हूँ। हाँ। और मुझे यहाँ पे 4 महीना हो गया है। यहाँ की मेन चीज़, यहाँ का आने के बाद मुझे अच्छा ये चीज़ लग रहा है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, जो लोकल लोग हैं बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ। और कुछ कुछ हैं, कुछ लोग इंडियंस जो हैं, जो कि मतलब खास करके इंडियन लोगों को ही फंसाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाँ। वो लोग के बारे में बोलने का मतलब जरूरत नहीं है, आप तो जानते ही होंगे। फैक्ट, उनका नाम नहीं जाना है। हाँ, उनको नाम जान के फेमस नहीं करना है, पर ना एग्जैक्टली अपने को फेमस नहीं करना, क्योंकि ये चलन पे आप जैसे जो लोग हो, आप फेमस हो, उनको क्यों फेमस करने का? एक चीज यहाँ पे लग रहा है पर मलिक भाई, कि हम जब, अब हम लोग ऑफिस जा रहे हैं या फिर कहीं रास्ते में जा रहे हैं, देखते हैं इंडियन लोग रोड पे बस बैठे रहते हैं। हाँ। रीज़न ये है कि कोई इंडियन ही उन लोगों को फंसाया है। जैसे कि कोई कुछ कुछ यूट्यूबर हैं। हाँ। जिन लोगों के वजह से वो लोग आके यहाँ पे फंस के साइड में इतना ठंड में बाहर बाहर बैठे बैठे दिन गुजार रहे हैं वो लोग। तो हम लोग भी अभी कितने जन के हेल्प करेंगे हम लोग? अगर चाहते हुए भी हम सबका तो हेल्प दो चार कर सकते हैं, ज़्यादा तो हेल्प नहीं कर सकते। सही बात है, तो दिक्कत वही होता है। ओके, तो इसके अलावा यहाँ का लाइफ का जो एक्सपेंसेस है वो क्या है? मतलब उतना एक्सपेंसेस मतलब नहीं है यहाँ पे। अगर आप बहुत सिंपल लाइफ आप जी सकते हैं, जैसे कि एकोमोडेशन में आपको 200 यूरो में आपको एकोमोडेशन मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आप अगर महीने का खर्चा, अगर राशन का, ये सब का अगर सोचें, तो आपका वही 150 यूरो में आपका खर्चा निकल जाएगा। ओके, 350-400 यूरो में आपका सब चीज़ निकल जाएगा। तो आप जिस लाइन में आए थे उनमें सैलरी कितनी मतलब लगभग आदमी कमा लेते हैं यहाँ पे? देखिए, स्टार्ट होता है 800-900 यूरो से स्टार्ट होता है। अब आप उसमें आप कम से कम 1500-1600 यूरो तक जा सकते हैं। अच्छा, 2000 तक भी जा सकते हैं। वेरी गुड। मतलब लेकिन ये है कि जैसे यूट्यूबर लोग बोलते हैं कि आप इसमें, जैसे डिलीवरी में लोग बुला लेते हैं। हाँ। तो बोलते हैं कि आपको 4 लाख कमा लेंगे, 3 लाख कमा लेंगे, 2 लाख कमा लेंगे, वो इम्पॉसिबल है। जैसे संजय भाई ने बताया था और सिद्धार्थ ने बताया था, तो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो और हम बहुत ऐसे लोगों, इंडियन लोगों से मिलने से हम बात कर लेते हैं। जी। कोई भी इंडियन अगर जा रहा है डिलीवरी में हो या फिर कंस्ट्रक्शन में, कोई भी मिल जाता है, हम बात कर लेते हैं कैसा हो रहा है उसका, मतलब कैसा चल रहा है उसका। तो डिलीवरी बॉय ज़्यादातर वो लोग परेशान हैं, क्यों? रीज़न ये है कि उन लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिलता, सही लोग नहीं। अभी अगर आपको पता होगा, यहाँ मैं एक बंदे से मिला रास्ते में चलते चलते, वो डिलीवरी कर रहा था, उसको 1 महीना हुआ था, वो मेरे को इंटरव्यू देने से मना किया, इसलिए क्योंकि वो डर रहा था, नई कंपनी में आया था। मैं समझ सकता हूँ तकलीफ को, और वो भी बेचारा जिससे उसे बोल रहा था कितनी तकलीफ़ उसको हुई है। यार मतलब प्रणव, मुझे बात बताओ यार, इनका सॉल्यूशन क्या? इनका सॉल्यूशन एक ही है मलिक भाई, कि आप सही बंदे के थ्रू आओ। आप ये तो पहले चीज़ है कि इन लोगों को सही से नॉलेज नहीं मिलता। पहला चीज़ है, ये लोग यूट्यूब देख लेते हैं कि कोई बंदा अगर यहाँ पे, वो कौन है वो जानते नहीं है, क्या है कुछ नहीं जानते। पहले चीज़ है, वो अगर बोल देगा कि आप 4 लाख कमा लोगे, वो पहले से ही सपना बना लेते हैं कि 4 लाख मेरे को कम मिल जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। जबकि यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग रहता है। फैक्ट है। आप अगर उन लोगों से बात करके इतना भी नॉलेज हुआ है कि वो लोग अगर 10 घंटा काम करेंगे तो 50-60 हज़ार से ही कमा पाएंगे, 8-10 घंटे, जो कि फैक्ट चीज़ है। लेकिन वो लोग बोल देते हैं कि आप 1 महीने में आपको 50-60 हज़ार मिल जाएगा, आपको काम करो ना करो, वो उन लोगों को नहीं पता है। मतलब काम करोगे तो पैसा है, और उन लोगों को झूठा झूठा बोला जाता है। इसके अलावा कुछ अपने हमारे व्यूअर को शेयर करना चाहेंगे आपका एक्सपीरियंस? देखिए भाई लोग, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, आप कोई भी काम में आओ, पहला चीज़ है आपके पास अगर स्किल है तो बहुत अच्छा है आपके लिए। अगर आप अनस्किल्ड हो फिर भी आप एक अच्छे कंसल्टेंसी या फिर जो भी है, जो बंदा आपको सही गाइडेंस दे रहा है, उसके थ्रू आओ, हर चीज़ पता करके आओ।
ऐसा नहीं है कि आप एक सपना बना लो कि मैं 2 लाख कमा लूंगा और चला जाता हूँ कमा लूंगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो वैसा पॉसिबल नहीं है। आप सब चीज़ अपने से स्टडी करो, या फिर जो बंदे जैसे मलिक भाई आप तो सबसे बेस्ट आपको आपके लिए ऑप्शन है। नहीं सही में मलिक भाई बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं एक चीज़ आपको अभी फॉलो नहीं कर रहा, मैं बहुत दिन से फॉलो करता हूँ, जब माल्टा के लिए ट्राई कर रहा था 2 साल पहले तब से आपको ट्राई कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, और तब से आपके बारे में पता है मेरे को। थैंक यू दोस्त, थैंक यू। तो मैं ऑलवेज प्रीफर करूँगा। थैंक यू। और जाते जाते हमारे जो आपने एडवाइस दिया है व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पे बोलना फिर से बोलना चाहूँगा उन यूट्यूबरों को, उन लोगों को जो लोकल यहाँ पे और 3-4 साल से रह रहे हैं, जो कि ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ उन लोगों को, उन यूट्यूबर को, कि आपने जो गलती की है, अगर खुदा ना खास्ता आपके नाम से केस हो गया ना, तो आपका TR PR सब रुक जाएगा। तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, क्योंकि अगर TR और PR लेना है आपको, तो आपके नाम से कोई केस नहीं होना चाहिए करंट कंट्री में, खासकर लास्ट कंट्री में तो होना ही नहीं चाहिए, करंट कंपनी नहीं होनी चाहिए। मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको सच्चाई बता रहा हूँ, बैकग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। तो इस तरह का काम बंद कर दो और फैक्ट पे काम करो। थैंक यू वेरी मच। परेशान मत करो, वो परेशान मत करो। थैंक यू वेरी मच। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना। तभी मेरे दिल से सब कुछ सपोर्ट कर, किसी को क्रोशिया का काम कराना हो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या हमारे यहाँ के यूट्यूबर है सिद्धार्थ भाई, सिद्धार्थ भाई को कॉन्टैक्ट करो, बोलो तबले मिल के रेफरेंस से आए हैं, वो आपका काम करके देंगे, जो भी है वो आपका डील करके देंगे, और मेरे पे भरोसा रखना। हाँ, तो कोई बंदा यहाँ पे है तो बिल्कुल बस हम लोग हेल्प करने को रेडी हैं, सब लोग रेडी हैं। सिद्धार्थ भाई अपने क्रोशिया में बैठे हुए हैं, उनसे डील करो, मेरा नाम लेके करो, मैं भी डायरेक्ट चालू करने वाला हूँ, बात करते हैं। थैंक यू, तब दिल से सब कुछ सेट करता।